आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पापड़ की पूरी परफेक्ट सी रेसिपी उड़द दाल और मूंग दाल मिक्स वाले पापड़ है ये जिसे मैं आपको सेक के भी दिखा रही हूँ तो पूरी रेसिपी मैं अच्छे से बताऊंगी तो वीडियो को आज तक जरूर से देखिएगा पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हो कमेंट करके जरूर से बताएगा तो चलिए इन पापड़ को बनाना शुरू करते हैं आपको लेना है हाफ कप गरम पानी तो मेजरिंग कप से मैंने मेजर करके पानी को गरम कर लिया था बोल में डाल दिया वन फोर्थ टीस्पून मैंने यहाँ पे हिंग ली है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें पापड़ खार कुछ इस तरह से पैकेट में आपको पापड़ खार मिलेगी किराना शॉप में मिल जाती है अगर आपके एरिया में ना मिले तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हो तो पापड़ खार आपको लेनी है टू टी तो जो वन टी वाला मेजरिंग वाला चम्मच होता है उससे मैं दो चम्मच ये डाल दूंगी पापड़ खार तो पापड़ बना रही हो तो पापड़ खार का यूज़ जरूर से कीजिएगा आप अगर बाई चांस आपको नहीं मिल पा रही है तो आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हो वो आप एक छोटा चम्मच ही डालिएगा यहाँ पे और पापड़ खार दो छोटे चम्मच पापड़ खार कुछ इस तरह से होती है आ, हल्की सी आपको शाइन दिखेगी इसमें तो आ, जितना हो सके आप जरूर ये वाली यूज करें यहां पे मैं नमक यूज कर रही हूं थ्री फोर्थ टी एक छोटा चम्मच उससे थोड़ा सा कम नमक मैंने डाला है नहीं तो बहुत ज्यादा सॉल्टी ना हो जाए पापड़ इसलिए तो थ्री फोर टी जितना नमक और इसको घोल को रख देते हैं साइड में मिक्स करके यहाँ मैंने उठाया है उड़द दाल मूँग दाल मिक्स वाला आटा ये पैकेट ना आपको रेडीमेड किराना शॉप में मिल जाएगा बना हुआ आटा मिलता है मिक्स है दाल का या आप सिर्फ उड़द दाल या मूंग दाल का भी सिर्फ बना सकते हो इसमें डाल देंगे काली मिर्ची तो काली मिर्ची को दर, -दर सा कूट लें और कूटी हुई काली मिर्ची पाउडर बिल्कुल भी ना हो ऊपर ऊपर से मैंने उठा लिया काफ़ी सारी कूटी थी मैंने एक चम्मच काली मिर्ची कूटी हुई एक चम्मच जीरा मैंने इसमें डाल दिया आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो बच्चे छोटे हो तो आप प्लेन भी बना सकते हो काली मिर्ची थोड़ी सी भी डाल सकते हो या हरी मिर्ची भी आप इसमें कूट के डाल सकते हो और सूखी लाल मिर्ची उसको भी कूट के आप डाल सकते हो चाहे तो अजवाइन भी आप डाल सकते हो इसमें मैंने अजवाइन यूज़ नहीं की है बस अब पानी डाल के ना ये जो हमने मिक्स बनाया था ना पापड़ खा नमक और हींग वाला पानी इस को डाल के और आटा गूंदना है पानी जो है अभी गर्म बिल्कुल भी नहीं है बस गर्म पानी में मिक्स करके साइड में आपको रखना है पानी जैसे नॉर्मल हो जाता है उसके बाद आपको आटा लगाना है तो ये पूरा पानी इसमें लग जाएगा और उसके बाद बस एक या दो चम्मच ही पानी लगेगा उससे ज़्यादा पानी नहीं लगेगा आटा आपको टाइट गूंदना है इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा आटा एकदम सख्त होना चाहिए सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं गूंदना है आटे को तो आटा जैसे ही गूंद जाए आप थोड़ा सा घी इस पर अप्लाई कर लें और अप्लाई करके थोड़ा सा मसल के इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें एक घंटा आप रख दीजिएगा डो को ताकि अच्छे से ये रेस्ट कर ले और एक घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आपको बनाना कैसे ये प्रोसेस ज़रूर से देखिएगा बहुत ही यूजफुल टिप्स ट्रिक्स मैं बता रही हूँ पापड़ को बनाने के लिए मैं इस डो को तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से इसको मसल सकूं तो एक पार्ट में रख रही हूँ और दो पार्ट जो है साइड में रख देंगी इसको ढक दें आप ताकि सूखे ना आटा अब आपको करना क्या है जो यूजफुल ट्रिक है आपको इसको कूटना है तो कुछ भी भारी चीज़ आप उठा लो इस तरह से कूटने वाला उठा लो और उससे आप दो मिनट अच्छे से इसकी कुटाई ज़रूर कीजिएगा बहुत ही स्पेशल ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ इस पापड़ को बनाने के लिए और एक दूसरी भी ट्रिक है दोनों ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है पापड़ बनाने के लिए दो मिनट कूटने के बाद अब दो से तीन मिनट आप इसकी स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा स्ट्रेच करने से आटे में लचीलापन आता है जिससे पापड़ ना बहुत बहुत अच्छे बनते हैं तो ये दोनों स्टेप्स जो मैंने आपको बताए इसको फॉलो ज़रूर से कीजिएगा तभी आपके पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन पापड़ अच्छे खाने हैं ना तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी तो बस हाथ होगी ना एक्सरसाइज हो जाती है इनकी स्ट्रेचिंग करने में तो अच्छे से दो तीन मिनट मसल के स्ट्रेच जरूर करें और आप देख पा रहे होंगे इसका डो का कलर जो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा ये पहले वाला आटा और बाद वाला आटा मैं दिखा रही हूँ कलर तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है तो अच्छे से हमारा डो जो है अभी ये वाला तैयार हो चुका है अब मैं चकली को थोड़ा सा ग्रीस कर ले रही हूँ और इस तरह से इसका गोल बना ले रही हूँ मतलब लंबे में ताकि मैं इसकी ना लोहिया कट कर सकूँ तो इवनली लोहिया जितना बड़ा आपको पापड़ चाहिए उस हिसाब से आप लोया इसकी काटिएगा और फिर बस पापड़ को हमें बेलना है तो एक लोई में रख दे रही हूँ और बाकी की लोहियाँ जो ढक के रख दे ताकि सूखे ना थोड़ा सा ऑयल इस पर अप्लाई कर देंगे और इसको बेल लेंगे और उसके बाद सूखा आटा यही वाला पापड़ वाला जो आटा है ना उसी को ही लगाना है और कोई आटा नहीं लगाइएगा और इसको बेलेंगे तो जितना पतला कर सकते हो उतना पतला बेलिएगा क्योंकि पापड़ है पापड़ तो पतला ही अच्छा लगता है तो जितना आप खींच पा रहे हो ना उसको अच्छे से बढ़िया से इसको पतला बनाइएगा तो बड़ा बड़ी लोई लोगे तो बड़ा पापड़ छोटी लोई लोगे तो छोटे छोटे पापड़ बनेंगे तो बस ये पापड़ जब है बन के तैयार है मतलब इसको आपको सुखाना है तो आप पंखी की हवा में सुखा सकते हो मैंने तो अपने घर में डाइनिंग टेबल पे बिछा दी थी चादर और चादर पे पापड़ रख दिए थे आधे घंटे के बाद आप उसको पलटा दें दूसरे साइड से भी सीखने दो तो बस एक घंटे में ही पापड़ सूख के रेडी हो जाते फटाफट रेडी हो जाते लेकिन आप इसको सीखने का काम नेक्स्ट डे कीजिएगा एक दिन उनको रेस्ट करने दीजिएगा और एक दिन के बाद मतलब नेक्स्ट डे मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ फ्राई कर लें सेक लें या फिर तवे पे सेके माइक्रोवेव ओवन में भी आप उनको सेक सकते हो बहुत मस्त बनते हैं अवन में भी तो मैं भी आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ तो कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बहुत टेस्टी बनते घर पर पापड़ तो मैंने परफेक्ट सी रेसिपी मेजरमेंट के साथ आपको बता दी है तो जो आटा मैंने लिया था दो कप जितना वो ढाई सौ ग्राम जितना आटा था मिक्स वाला आटा था दोनों डाले सेम मेजरमेंट की थी उसमें और आप चाहो तो आप पिसवा भी सकते हो चक्की में वो आटा ये मैंने तवे पर सेका था ये वाला थोड़ा सा ऑयल लगा के और फ्राई किया हुआ है और गैस पे सेका हुआ है तो बहुत ही यमी टेस्टी से पापड़ बने आप भी ट्राई कीजिएगा आज की रेसिपी ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें पेज पे नए पेज को फॉलो करें इसे ट्राई करें और प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर घर पे ये पापड़ बनाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ ये रेसिपी क्रिस्पी करारी पापड़ की जरूर से शेयर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग जय श्री गणेश वाई गुरु